अब चीन से निपटने का प्लान हो गया तैयार। निरहुआ और राजभर ने बता दिया चीन को निपटाने का उपाय। न रफाइल की जरूरत है न बोफोर्स की, न अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है न सेना के बड़े लावलश्कर की, बस दो रेजिमेंट कर देंगी चीन का काम तमाम। ड्रैगन की नापाक मंसूबों को मिनटों में नेस्तनाबूद कर देगी निरहुआ और राजभर की रेजिमेंट। सरकार ने अगर मान लिया प्रस्ताव तो खत्म हो जाएगा सबसे बड़ा दुश्मन चीन। ना तो चीन से लड़ाई करनी पड़ेगी, ना ही रक्षा का इतना भारी भरकम बजट खर्च करना पड़ेगा। केवल दो रेजिमेंट के जरिए ही चीन की 3,500 किलोमीटर की सरहद सुरक्षित हो जाएगी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन जो चीन ने कब्जा कर रखी है आजाद हो जाएगी। बहुत पहेलियां ना बुझाकर अब आपको प्लान बताते हैं जो दिनेश लाल यादव निरहुआ और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सरकार को बताया है। पहले सुन लीजिए बीजेपी के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का वो प्लान जो निरहुआ संसद में बार बार जिसकी गुजारिश कर रहे हैं। और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3,000 चीनी सैनिकों को मारा। और चाइना ने यह कहा, अब आप जरा बीजेपी के पूर्व सहयोगी, अखिलेश के पूर्व करीबी, सुभाषपा के बड़े नेताओं में शुमार अरविंद राजभर का यह बयान भी जरा सुन लीजिए। राजभर रेजिमेंट बना दें, सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे सरकार और चाइना बॉर्डर पर राजभर नौजवानों को खड़ा कर दे। मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर अंदर खड़े के आ जाएंगे हम लोग, 20 किलोमीटर। इतिहास गवाह है राजभर समाज का। जब इस देश में सारे राजा परास्त हो गए थे तो एक राजा बहराइच का चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 1.5 लाख विदेशी आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काटा था। सरकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे और हम लोगों को छूट दे दे, हम लोग चाइना बॉर्डर पर चले जाएंगे दावे के साथ 20 किलोमीटर चले जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन से निपटने का फार्मूला क्या है। केवल एक यादव रेजिमेंट और एक राजभर रेजिमेंट मिलकर पूरे चीन की पीएलए को ध्वस्त कर देगी। 20 किलोमीटर की सीमा तक चीन में घुसकर भारत की एक एक इंच जमीन वापस लेकर आ जाएगी, चीनी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट कर खा जाएगी। यानी जिस चीन से निपटने के लिए देश की पूरी रक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, तीनों सेनाएं दिन रात एक किए हुए हैं, अगर अरविंद राजभर और निरहुआ की ये मांग ही मान लें तो हमेशा के लिए चीन नाम का कंटक खत्म हो जाएगा। जनता को यूं ही जनार्दन नहीं कहा गया, अब ये जनता जनार्दन ही तय करे। वोट बैंक के लिए जाति की गंदी सियासत करने वाले सियासतदानों के तुष्टिकरण भरे बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए दिल्ली से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।